पाकिस्तान और ईरान के बीच जबरदस्त तनाव है। पाकिस्तान की ओर से ईरान पर की गई जवाबी कार्रवाई पर ईरान ने प्रतिक्रिया दी है। ईरान की सरकारी टीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान ने पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले की कड़ी निंदा की है, साथ ही पाकिस्तान से तत्काल स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए गुरुवार सुबह को ईरान में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन मार्ग सरमाचर चलाया था। पाकिस्तान का दावा है कि इस ऑपरेशन में उसने कई आतंकियों को ढेर कर दिया है। जैसे को तैसा सिद्धांत के तहत दोनों देश एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब ईरान और पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष देखने को मिला है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उसने ईरान में पल रहे आतंकियों को लेकर कई बार ईरान से बातचीत की थी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने ये कार्रवाई ईरान में पल रहे पाकिस्तानी मूल के आतंकियों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियों की खुफिया जानकारी के बाद की है। ये कार्रवाई सभी खतरों को ध्यान में रखते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा के लिए की गई है, इस तरह का बयान पाकिस्तान ने दिया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने मंगलवार को कुहे सब्ज क्षेत्र में मौजूद जैश उल अदल के आतंकवादी समूह के ठिकानों को निशाना बनाया था। इन ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर इसे नष्ट कर दिया गया था। आतंकी संगठन जैश उल अदल को आर्मी ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। साल 2012 में स्थापित यह संगठन एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से संचालित होता है। ईरान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान ने बयान जारी करते हुए ईरान को चेतावनी दी थी। पाकिस्तान ने कहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत के कई माध्यम होने के बावजूद ईरान ने यह कार्रवाई की है। ईरान ने पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पाकिस्तान ने ईरानी विदेश मंत्रालय के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष कड़ा विरोध भी दर्ज कराया था। पाकिस्तान ने कहा था कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाई एक अच्छे पड़ोसी संबंधों के अनुरूप नहीं है। एक तरह की कार्रवाई द्विपक्षीय रिश्ते और विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है। ईरान के हवाई हमले की जवाबी प्रतिक्रिया देकर पाकिस्तान ने इस पूरे क्षेत्र को ही तलवार की धार पर लाखड़ा कर दिया है। दो दिन पहले जब तेहरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपने ड्रोन भेजे और मिसाइल दागे, तब यही माना गया कि फिलहाल तीनों मोर्चों भारत, इस्लामिक आतंकवाद और इमरान खान प्रकरण पर उलझा इस्लामाबाद तनाव का एक और दरवाजा शायद ही खोलना चाहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।